नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। लोकसभा की चुनाव की घोषणा होते ही पुलिस काफी अलर्ट हो गई है, अलर्ट मोड पर लगातार रह रही है। कोई परिंदा पर न मार दे, इसके लिए तमाम तैयारियां पुलिस प्रशासन की ओर से शुरू हो गई है। या कहे कि अंतिम रूप दिया जा रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो रही होगी। आपको बता दें कि चुनाव की घोषणा की तिथि जैसे ही घोषणा हुई है चुनाव को लेकर, वैसे ही लगातार पुलिस सघन वाहन जांच अभियान चला रही है। आपको छमुहान चौक हो, चाहे शहरी क्षेत्र का रेड़मा चौक हो, चाहे वो बैरिया चौक हो, चाहे वो दुबियाखड़ चौक हो, लगातार तमाम पुलिस जो है दोपहिया वाहन चार पहिया वाहनों की चेकिंग अभियान शुरू कर दी है, ताकि कोई भी गलत व्यक्ति शहर में प्रवेश न करे व कोई अनहोनी घटना न घटे। यानी पुलिस पैनी नज़र बना के रखी है और यही वजह है कि लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस को लगातार सफलता भी मिल रही है। चेकिंग अभियान में कभी पैसे मिल रहे हैं तो कभी जिनके कागजात गाड़ी का नहीं है उनके उनकी गाड़ियों को भी जब्त किया जा रहा है। यानी बगैर कागज लिए भी कई लोग चल रहे हैं, तो बिना हेलमेट के भी कई लोग चल रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि पुलिस अलर्ट मोड में है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लगातार पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। खासकर हम जिला यातायात प्रभारी की बात करें समाल अहमद की, तो वो दिन में तो चेकिंग अभियान चल ही रहा है, रात में भी। यही नहीं, जो शराब पी के गाड़ियां चलाते हैं उनको भी नहीं बख्शा जा रहा है। यानी आप शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। एक तरह से पुलिस जो काम कर रही है वो आपकी सेफ्टी के लिए कर रही है। शराब पी के आप गाड़ी चला रहे हैं कहीं गिर जाएंगे, बगैर कागज की गाड़ी चला रहे हैं एक्सीडेंट हुआ तो उसमें आपको नुकसान होगा, बगैर हेलमेट की गाड़ी चला रहे हैं अगर आप गिरते हैं तो कोई चोट गंभीर लगती है तो उससे आपको नुकसान होगा। यानी पुलिस एक तरह से आपको अवेयरनेस भी कर रही है और लगातार चेकिंग अभियान चला करके लोगों को सुरक्षा भी दे रही है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम यह कहेंगे कि मतलब हर चौक चौराहों पर जिस तरह से वो चेकिंग अभियान चला रही है तो निश्चित रूप से शहर में कोई गलत व्यक्ति न घुसे या शहर में कोई बड़ी घटना को अंजाम न दे, इसलिए पुलिस लगातार जो है अपनी पैनी नज़र बना के रखी है। आपने एक फिल्म का एक गाना सुना होगा, नाम अब्दुल है मेरा सबकी खबर रखता हूँ। जी हाँ, नाम अब्दुल है मेरा सबकी खबर रखता हूँ, नाम गाना जरूर सुना होगा। उसी तरह से पुलिस काम कर रही है, हर चौक चौराहों पर तैनात है, हर आने जाने वालों पर पैनी नज़र बनाए हुए है, हर लोगों पर पैनी दृष्टि बनाए हुए है। कोई बड़ी घटना न घट जाए, कोई परिंदा पर न मार दे, इसके लिए पुलिस प्रशासन लगातार सघन वाहन जांच अभियान चला रही है। कोयल पुल हो, चाहे वो सदीक मंजिल चौक हो, चाहे बिस्फुटा चौक हो, लगातार शहरी क्षेत्र के हर चौकों पर पुलिस बल तैनात है और लगातार चेकिंग अभियानों को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि पुलिस एसपी पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और लगातार पुलिस को सफलता भी मिल रही है। तो आप भी अलर्ट रहें, कहीं आप भी कोई गलत व्यक्ति आपके साथ कोई लिफ्ट मांग के नहीं बैठ जाए, कोई आप गलत बगैर कागजात के आप गाड़ी न चलाएं, बगैर हेलमेट के गाड़ी आप न चलाएं, इस पर ध्यान देना होगा। चूँकि आचार संहिता लागू है, अब आचार संहिता लागू है तो पुलिस भी अलर्ट मोड में आ गई है। पुलिस हर आने जाने वालों पर अपनी पूरी दृष्टि बना के रखी है और यही वजह है कि हर चौक चौराहों पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और लगातार पुलिस को सफलता मिल रही है। तो ऐसे में हम यही चाहेंगे कि आप भी सतर्क होकर गाड़ी चलाएं। आपसे कोई लिफ्ट मांग रहा हो तो लिफ्ट देने से पहले चार बार सोचिए। अगर आप बगैर गाड़ी कागजात का चला रहे हैं तो आप कागजात लेकर के गाड़ी चलाएं, बगैर हेलमेट के निकले हैं तो आप हेलमेट पहन कर निकले, बच्चों को गाड़ी ना दें, छोटे छोटे बच्चे जो आजकल गाड़ी लेकर रोड पर निकलते हैं उनको भी मना करें, खासकर गार्जियन, ताकि आप बच्चों को जो नुकसान होगा तो गार्जियन को ही उठाना पड़ेगा। ऐसे में आपको भी यह संदेश हम इसलिए बता रहे हैं कि आचार संहिता लागू है और पुलिस सतर्क है, तो आप भी गाड़ी चलाने से पहले दो चकिया हो, चार चकिया में सीट बेल्ट बांध के निकलिए, तो आप सतर्क रहिए, तभी ये मतलब जो है सुरक्षा के नियमों का पालन करिए, यातायात के नियमों का पालन करिए। यही वजह है कि लगातार यातायात पर भारी समाज अहमद भी अपने तमाम जवानों के साथ इस अभियान में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ जिले के हर प्रखंड में, हर थाना क्षेत्र में यह अभियान चलाया जा रहा है। हम फिर मिलेंगे किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।